हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु। तो आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं चैप्टर टू एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी से चैप्टर टू है इन्वर्स ज्योमेट्री, ठीक है, जो कि क्लास ट्वेल्थ का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसी चैप्टर का यूज बहुत सारे जगह है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे कि आपको कैलकुलस में जितने भी कैलकुलस है ना, सभी जगह आपको इसका ज़रूरत है, ठीक है। तो जहाँ तक आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि कोई साइन का फंक्शन होता है तो साइन का रेंज जो होता है माइनस में पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए साइन इन्वर्स में एक्स बराबर में वाई है तो ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू, क्लियर। और यहाँ पे वाई बिलोंग्स टू जो होता है वो होता है माइनस में, सॉरी, ये हो गया वाई बिलोंग्स टू, क्लियर। और ये एक्स बिलोंग्स टू जो होता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से लेकर वन तक होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में जैसे कि फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको फार्मूला चाहिए या नहीं, ठीक है। मैं आपको फार्मूला भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अभी तक मैं चाहूँगा कि अगर अभी देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अभी तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ठीक है। जहाँ से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी सोचूंगा कि मेरा वीडियो पे इतना व्यूज जा रहा है, मुझे भी आगे इसी टाइप का वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखते ही आप कह रहे हैं कि इसमें क्या ऐसा पुट करें कि इतना बराबर इतना आ जाए, ठीक है। और या तो कैसे हम इसको सॉल्व करें कि इतना इक्वल टू इतना हो जाए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाए। तो बेहतर होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आर एच एस से अगर सॉल्व करेंगे तो बढ़िया होगा, ठीक है। आर एच एस ले लेंगे और आर एच एस में हम क्या कर लेंगे, आर एच एस में कि इस टाइप में एक्स के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये साइन का फॉर्मूला है और ये साइन के फॉर्म में होता है, ठीक है। थ्री साइन थीटा कॉस माइनस में फोर साइन क्यू थीटा जो होता है वो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स के जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स जब भी हम साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, ये आर एच एस में बनेगा, ठीक है। और आर एच एस में बनेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स जब साइन थीटा पुट करें तो साइन इनवर्स में ये भी बदल लेंगे कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स में एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं, क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए पुट कर देंगे अब हम यहाँ पे आर एच एस में कि एक्स जब साइन थीटा तो ये बन जाएगा, ठीक है। और ये होता है साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पे साइन थ्री थीटा आ गया। और साइन थ्री थीटा यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन इनवर्स में है और साइन थीटा है, ठीक है। साइन इनवर्स में साइन थीटा होता है तो क्या होता है, ये सीधा थीटा हो जाता है, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। और या तो कॉस के साथ होगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स में भी होगा और कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। टेन इनवर्स टेन थीटा रहेगा तो भी टेन थीटा हो जाएगा। कॉस से कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होगा, कोई भी त्रिकोणमिति फंक्शन का यहाँ पे जो साइन के जगह पे टेन भी होगा या कॉस होगा या सेक हो या कॉट हो या कॉस सेक हो, अगर इन छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई भी चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इनवर्स और यहाँ पे थीटा के साथ होगा तो सीधा थीटा आ जाएगा बाहर, तो इसलिए यहाँ पे थ्री थीटा आ गया बाहर। और थीटा के जब आपको निकाले हैं यहाँ पे साइन इनवर्स में एक्स, तो थ्री का थ्री और साइन इनवर्स में एक्स हो गया इक्वल टू एल एच एस हो गया, क्लियर। इसी प्रोसेस से हम यहाँ पे एक और सवाल है जो कि कॉस वाला है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको भी आप क्या करेंगे कि इसमें भी एक्स की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, कॉस थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। और जखन हम जब भी हम यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है, तो आप कॉस थीटा पुट करने के बाद आर एच एस में देखिएगा तो ये आ जाएगा कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। और ये भी हमको निकालना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना कि कॉस इनवर्स में एक्स इक्वल टू थीटा, तो वो भी आपको निकालना होगा, ठीक है। इतना जब मानते हैं तो इतना आपको निकालना होगा, क्योंकि इसे लास्ट में पुट करना होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये जो है इसको आप सॉल्व करिएगा, तो देखिए यहाँ पे इसको रख दिए तो यहाँ पे कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, और कॉस थ्री थीटा का आएगा तो कॉस इनवर्स कॉस थ्री थीटा इक्वल टू थ्री थीटा आ गया, और इक्वल टू थ्री कॉस इनवर्स में एक्स हो गया, और यहाँ पे इक्वल टू एल एच एस हो गया, क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। और इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जो कि एक फॉर्मूला ये होता है कि टेन इनवर्स में अगर एक्स है प्लस में टेन इनवर्स में अगर वाई है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स में, ठीक है, एक्स प्लस में वाई होता है बाय वन माइनस में एक्स वाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ प्लस के जगह पे, ठीक है, प्लस के जगह पे माइनस अगर हम कर देते हैं, ठीक है, प्लस के जगह पे अगर माइनस कर दिए तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाता है, क्लियर।
ऐसा होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप फॉर्मूला को याद रखें तो बेहतर होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि टेन वर्ष में 2/11 और यहाँ पे टेन वर्ष में 7/24 है, ठीक है, 7/24 इज इक्वल टू आपको टेन वर्ष में 1/2 लाना है, ठीक है। तो LHS में जाइएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा और यही फॉर्मूला लगाइएगा। तो ये हो गया x के जगह पे, ठीक है, ये हो गया आपका x और ये हो गया y के जगह पे, क्लियर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पुट करिएगा, रखिएगा मान सब को। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको सॉल्व करते करते यहाँ पे लास्ट में 125/250 आएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, टेन वर्ष में 1/2, जो कि ये फॉर्मूला आ जाएगा, लागू हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे इसके जगह पे माइनस होता है, ठीक है, इस प्लस के जगह पे माइनस होता, ठीक, तब यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाता, क्लियर। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ नंबर है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे 2 tan inverse में लिखा हुआ है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, 2 tan inverse में x होता है, तो इसीलिए यहाँ पे tan inverse में 2x tan inverse में 2x/1 - x square रखा जाता है फॉर्मूला, ठीक है, जो कि ये भी फॉर्मूला आपको आगे मिल जाएगा, तो आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला को आप यूज कर लीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसको पहले तोड़ लीजिएगा तो 1 बन जाएगा, ठीक है, ये 1 बना दिए और इसको सॉल्व करते करते आगे चल के 1 सिंगल बना दिया, ठीक है, और ये भी साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है, और इसको लिखते जाते हैं। इसके बाद इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, tan inverse x प्लस में tan inverse y का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि पिछला फॉर्मूला हम यूज किए हैं वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, पीछे जो फॉर्मूला यूज किए हैं वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो tan inverse में और 4/3 1/7, ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करते ही यहाँ पे आपको आ जाएगा माइनस में, यानी कि tan inverse में 31/17 आ जाएगा, ठीक है, 31/17 आ जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगता होगा, तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें कि tan inverse में है और यहाँ पे अंदर रूट में 1 + x² - 1 और बाय एक्स है, क्लियर। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे पुट कर लेंगे कि x यहाँ पे tan theta पुट कर लेंगे, ठीक है, हमें यहाँ पे सोचना पड़ता है, ठीक है, कि क्या रखें हम यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, क्वेश्चन यहाँ पे करा है, एक सेकेंड रुकिए, देखिए ध्यान से, इसमें हमें क्या पुट करना है कि यहाँ पे tan inverse इसमें पूरा tan बन जाए, ठीक है, यहाँ पे tan theta बन जाए, और tan inverse में tan theta बन जाए तो वो बराबर हम tan theta ओनली theta लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x से जहाँ पे कोई theta पुट करें, tan में पुट कर दें, सॉरी tan के फॉर्म में पुट करें और theta पुट करें, तो यहाँ पे ये पता है कि 1 + tan² जो होता है वो क्या हो जाता है, sec स्क्वायर हो जाता है, तो ये sec स्क्वायर होगा, तो ये sec स्क्वायर में से 1 घटेगा, फिर यहाँ पे sec को cos में sin में बदलेंगे, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं आगे क्या है सॉल्यूशन, इस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे सॉल्यूशन भी किया गया है, तो आप देख सकते हैं, इसको आप पुट कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा, tan theta पुट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे sec theta माइनस में 1 आ जाएगा बाय tan theta, इसको sin cos में चेंज कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 1 - cos x के जगह पे ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है, 2 cos sin² θ/2 होता है 1 - cos θ के जगह पे, और फिर यहाँ पे sin theta के जगह पे हो जाएगा 2 sin θ/2 और cos θ/2, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये सवाल का आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है, 1/2 और tan inverse में x हो जाएगा, क्लियर। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी आपको क्या पुट करेंगे ऐसा कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी हम x के जगह पे कुछ पुट करेंगे तो हमें tan के मतलब थीटा बाहर निकलेगा, tan थीटा के फॉर्म में या cos थीटा जो भी हो, मतलब थीटा के फॉर्म में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है, क्लियर। तो यहाँ पे x से जब पे हम यहाँ पे cosec थीटा पुट कर देंगे तो यहाँ पे थीटा जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स में x हो जाएगा, क्लियर। वहीं x वहीं हम cosec थीटा पुट करेंगे तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि cosec थीटा पुट किया तो cosec थीटा - 1 हो जाएगा, cosec² θ - 1
और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे में देख रहे हैं यहाँ पे रूट है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा रूट में भी रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, तो जिसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स में और वन बाई कॉट, और यहाँ पे टेन इनवर्स में टेन थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया सीधा ओनली थीटा, ठीक है, ओनली थीटा, और थीटा के जगह पे आप यहाँ पे देखते हैं पुट किए हुए हैं कॉसेक इनवर्स थीटा एक्स है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स रख दिए, और कॉसेक इनवर्स एक्स जब पे आप हम लिख सकते हैं पाई बाय टू माइनस में सेक इनवर्स में एक्स, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला जानते हैं सेक इनवर्स में एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ पे कॉसेक के जगह पे आप सेक भी पुट कर सकते थे, तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर सेक पुट करते तो आपको डायरेक्टली इस तरीका से आंसर आ जाता, ठीक है, और अगर कॉसेक पुट किए हैं तो आपको इस तरीका से आपको घटाना पड़ा पाई में पाई बाय टू में से सेक इनवर्स घटाना पड़ा, क्लियर। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को भी करा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि वन माइनस में कॉस है, ठीक है, वन माइनस में कॉस है, उसके जगह पे भी आप क्या कर सकते हैं टू, यहाँ पे लगा हुआ है फॉर्मूला देखते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा हुआ है, क्लियर। अब फिर यहाँ पे वन प्लस में कॉस एक्स के जगह पे लिख देंगे हम यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि इसको भी हम अंदर में ही सॉल्व करेंगे तभी आएगा, क्योंकि इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। वन माइनस में कॉस है तो इसको हम चाहे तो टेन में बदल सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आप पुट करिएगा तो यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर है कॉस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और रूट में भी है तो स्क्वायर भी हट जाएगा रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से इस तरीके से इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसको साइन एक्स बाई टू, ठीक है, साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू आएगा, जो कि टेन वर्स टेन एक्स बाई टू आ गया, और ये टेन एक्स बाई टू है तो सीधा ओनली एक्स बाई टू आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर, दोस्तों अच्छा लग रहा है या नहीं आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, और लाइक जरूर और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों को भी पहुंच आपके दोस्तों को भी पता चले हमारे वीडियो के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करा है राइट द फंक्शन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म, यहाँ पे साइन टेन इनवर्स में करा है कि साइन कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स बाईस कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, तो आपको इसमें भी क्या करना है इसको तोड़ के हमें टेन बनाना है इसके नीचे इसके ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो कॉस से डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर में नोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार से बन जाएगा फंक्शन, क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा टेन वर्स में वन माइनस में साइन एक्स बाई कॉस एक्स और वन प्लस में टेन एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो इसको भी आप साइन कॉस में बदलिएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टेन वर्स में वन माइनस टेन बाई टेन एक्स बाई वन प्लस में टेन एक्स, क्लियर, इतना आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे, इसके बाद सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ये फार्मूला आ जाता है टेन पाई बाई फोर माइनस में एक्स का फार्मूला हो जाता है, ठीक है, ये फार्मूला है वन माइनस में टेन एक्स बाई वन प्लस में टेन एक्स जो होता है, तो आप चाहे तो वन के जगह पर टेन पाई बाई फोर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके जगह पर लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर और यहाँ पर वन के जगह पर, ठीक है, और यहाँ पर टेन एक्स के जगह पर टेन एक्स है टेन एक्स बाई वन बाई वन प्लस वन इंटू मतलब क्या हो गया टेन पाई बाई फोर की जगह पे, और फिर यहाँ पे इसके जगह पे क्या हो जाएगा टेन एक्स का टेन एक्स, तो ये फार्मूला जो होता है वो टेन पाई बाई फोर प्लस में एक्स का होता है, सॉरी माइनस का होता है, बीच में माइनस आ गया ना, इसीलिए यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं माइनस है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर माइनस है, तो इसलिए माइनस के कारण क्या हो जाएगा ऊपर में माइनस हो गया, और ये टेन एक्स है तो टेन एक्स है तो इसका फार्मूला हो जाएगा पूरा का क्या टेन पाई बाई फोर माइनस में एक्स, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्लियरली लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से अगर लिखते हैं तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम इस तरीके से नहीं लिखते इस तरीके से लिखते हैं इसके जगह फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो हमें डायरेक्टली लिखना होगा टेन वर्स में टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, क्लियर। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे अगर हम ये तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं और इसको हम छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स में टेन पाई बाई फोर माइनस में एक्स लिखेंगे पाई बाई फोर माइनस में एक्स लिखेंगे, ठीक है, तो पाई बाई फोर माइनस में एक्स रहेगा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टेन बस टेन थीटा के जगह पे क्या होता है ये चीज थीटा हो जाएगा बाहर, इसलिए थीटा हो गया, क्लियर। और समझ में आता होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए और वीडियो जो है वो कैसा लगा, वीडियो जरूर भिड़िया सॉरी पहला वीडियो जो बनाए थे वो वीडियो आपको कैसा लगा वो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। करा है क्या इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है टेन इनवर्स में एक्स बाई वन ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो हमें इसको क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए हमें यहाँ पे फिर से ए के जगह पे या एक्स के जगह पे आप कुछ पुट कर दीजिए, ठीक है,
एक्स जगह पे आपको कुछ पुट करना होगा, उसके बाद कुछ होगा। तो यहाँ पे एक्स जगह पे ए साइन थीटा पुट करिएगा, तो फिर यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू आप बदल लीजिएगा कितना, एक्स बाई कितना हो जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे यहाँ बदल गया है जैसा कि देख रहे हैं आप, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू हो गया साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया है। क्लियर, तो इस प्रकार से अब हम साइन थीटा के मतलब एक्स के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा पुट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार से फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से फंक्शन आएगा तो रूट से अंदर, रूट के अंदर जो है उसको हम ए कॉमन लेंगे बाहर। ठीक है, ए स्क्वायर है ना, इसलिए यहाँ पे ए बाहर आएगा, तो ए ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन बाई अंदर रूट वन माइनस में कॉस साइन स्क्वायर, तो इसको भी आप बाहर करिएगा तो कॉस स्क्वायर के जगह पे कॉस बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन बाई कॉस हो जाएगा और ए कैंसिल ही हो गया है, तो यहाँ पे साइन टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स में एक्स बाई ए लिखेंगे। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। अगर लाइव मैं चाहता तो लाइव भी दिखा सकता था, तो यहाँ पे जो है कुछ यानी कि एक ऐसा ऐप था मेरे पास जो कि मुझे वो ऐप आपको हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए नहीं तो उस ऐप से मैं आपको लाइव भी कर सकता था। ठीक है, और लाइव करने पे मुझे ऐसा है कि क्वालिटी यानी कि नेटवर्क इस एरिया में काम करता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको लाइव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और लाइव करता तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगता, समझ में आता और आपको बढ़िया से समझाते। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में आप देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं इसका फॉर्म आपको पहचान, अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको फॉर्म याद कर पहचानना होगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का जो फार्मूला होता था कि टेन थीटा थ्री थीटा का फार्मूला होता था, टेन थ्री थीटा का जो फार्मूला होता था वो होता था यही थ्री टेन थीटा होता था, थ्री टेन स्क्वायर थीटा होता था। ठीक है, माइनस में टेन क्यूब थीटा और बाई होता था वन माइनस में थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से फार्मूला होता था, हम यहाँ पर फार्मूला शॉर्टकट लिख रहे हैं। चलिए इसके बाद जो है ये एक्स जब पे हम क्या पुट करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, हमें क्या पुट करना है, एक्स जब पे हमें टैन थीटा पुट करना है, ए टैन थीटा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक सेकेंड हम कलर को चेंज कर लेते हैं, इस कलर में हम लेते हैं, और यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक्स बराबर ए टैन थीटा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले टैन थीटा बराबर लिखा है एक्स बाई ए, तो इसको हम थीटा बराबर फाइनली हमें ये लिखना होगा क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा, इस दोनों का जरूरत अभी नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका वैल्यू हम एक्स या फिर ए टेन थीटा पुट कर सकते हैं। और जब भी हम ये पुट करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन आ जाएगा, और इस प्रकार से फंक्शन आते ही हम यहाँ पे ए क्यू ऊपर में भी आ जाएगा और ए क्यू नीचे भी आएगा, और हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, बाकी हमें टेन के फॉर्म में बचेगा, टेन के फॉर्म में बचेगा वो टेन का फॉर्मूला हो जाएगा, टेन थ्री थीटा का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेन इनवर्स में टेन थ्री थीटा इक्वल टू हो जाएगा थ्री थीटा और थ्री थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं थ्री इंटू और थीटा की जगह पे लिख सकते हैं सीधा टेन इनवर्स में एक्स बाई ए हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 नंबर में क्या करना है, आपको इस तरीके से फॉर्मूला दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, तो हमें इसको तोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से शॉर्टकट में तोड़ा भीग गया है, तो जैसा कि देख रहे हैं तो यहाँ पे साइन इनवर्स में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो ये जो होता है ये पाई बाई सिक्स का वैल्यू होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर, और ये पाई बाई सिक्स का वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे पाई बाई सिक्स लिखेंगे और दो गुने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टू भी लिखा हुआ है, तो टू इंटू पाई बाई सिक्स करेंगे। ठीक है, टू इंटू पाई बाई सिक्स करेंगे तो यहाँ पे टू से कट जाएगा, पाई बाई थ्री बन जाएगा, और पाई बाई थ्री हो जाएगा तो कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू होगा, एक सेकेंड इसको डिलीट कर देते हैं, अब यहाँ पे जो हो जाएगा इसका वैल्यू हो गया पाई बाई थ्री। ठीक है, पाई बाई थ्री कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू रखेंगे तो 1/2 आएगा, अब यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स में टू इंटू और यहाँ पे आ गया 1/2, पूरा का वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे पूरा बचेगा कितना, ये 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स में क्या बच गया, 1 होता है कितना का वैल्यू, पाई बाई फोर का वैल्यू। क्लियर, उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, भारी भारी से कैसे पुट किया है आप देख सकते हैं, और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, और यहाँ पे 12 में पूछा है कि कॉट इनवर्स में कॉट है और टेन इनवर्स में ए और प्लस में कॉट इनवर्स में ए है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई टू होता है, तो इसका फॉर्मूला पाई बाई टू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि पुट किया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे पुट किया हुआ है तो इसलिए पुट करेंगे टेन कॉट और पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, कॉट पाई बाई टू का वैल्यू होता है जीरो, ठीक है, इसलिए जीरो हो गया। यहाँ पे फार्मूला भी लिखा हुआ है कॉट टेन एक्स टेन इन्वर्स में एक्स प्लस में कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये फार्मूला भी होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे एक बार देख लीजिए, क्योंकि साइन इन्वर्स में एक्स प्लस में कॉस इन्वर्स एक्स का भी फार्मूला यही होता है पाई बाई टू। फिर यहाँ पे सेक इन्वर्स एक्स प्लस में कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी फार्मूला यही होता है पाई बाई टू। तो यहाँ पे साइन के जगह पे सेक और कॉसेक हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फार्मूला, ठीक है, फार्मूला का सीट होगा उसमें देख सकते हैं। और नहीं अगर फार्मूला का आप वीडियो चाहिए तो आप फार्मूला कमेंट कीजिएगा कि आप फार्मूला वाले वीडियो बनाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते, एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन अभी आ रहा है 20 तक है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि टेन इन और वन बाई टू लिखा हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये एक्स जगह पे क्या पुट करिएगा, एक्स जगह पे साइन थीटा पुट कर टेन थीटा पुट कीजिएगा, ठीक है, टेन थीटा। और वाई के जगह पे इसमें कॉट फाइव पुट करिए, सॉरी टेन फाइव पुट कीजिए, क्लियर। अलग अलग थोड़ा पुट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और फिर इसमें पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला और ये हो जाएगा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। साइन इनवर्स साइन टू थीटा और यहाँ पे कॉस टू फाइव हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस टू फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे टू थीटा और टू फाइव हो जाएगा बाहर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, नीचे भी आप इस तरीके से पुट किया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फाइनली इसके जगह पे थीटा में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आया है, टू टेन इनवर्स में आया है या एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आया है। तो यहाँ पे दोगुना है, वन बाई टू भी है तो वन बाई टू से कट गया है। तो यहाँ पे फाइनली सॉल्व किया है तो यहाँ पे x प्लस वाई में आया है और फाइनली x प्लस वाई बटा वन माइनस में एक्स वाई आ गया, ठीक है। तो इसके बाद है नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट सॉल्व करने का तरीका देखिए, इसको शॉर्टकट सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो इसमें भी डिटेल में बनाया गया है। तो आप इसको देखिए, अब यहाँ पे कोई फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स में एक्स होता है प्लस में कॉस इनवर्स में एक्स होता है, तो ये होता है कितना पाई बाई टू होता है। और यहाँ पे साइन पाई बाई टू अगर कर दें, ये पूरा का वैल्यू साइन पाई बाई टू कर दें तो यहाँ पे वन हो जाता है इसका वैल्यू। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू इसके जगह पे क्या होना चाहिए, पाई बाई टू होना चाहिए फार्मूला। और यहाँ पे साइन इनवर्स में जहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी पूरा क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, क्लियर। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे वन बाई फाइव जो है वो भी एक्स होना चाहिए। और एक्स के जगह पे ही वन बाई फाइव है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के वैल्यू कितना हो जाएगा, वन बाई फाइव होगा। आप चाहे तो इस तरीके से डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला लिख दीजिएगा और डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एक्स के वैल्यू वन बाई फाइव, और या तो डिटेल में आप लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लंबा बनाया गया है, क्लियर। और इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसे किया है, ये भी हम समझा देते हैं आपको कैसे किया गया है। कि यहाँ पे मान लिया है क्या, कि इसको मान लिया थीटा, ठीक है, इसको मान लिया फाइव, इसको मान लिया थीटा, क्लियर। तो इसको थीटा और फाइव मान लिया तो फार्मूला लगा दिया, या तो ए मान लिया इसको, इसको बी मान लिया, और यहाँ पे साइन में है, ठीक है, साइन ए प्लस में बी मान लिया, क्लियर। तो यहाँ पे साइन लगा दिया और साइन के साथ क्या होता है, कॉस, साइन ए हो गया, ठीक है, साइन ए कॉस बी, और फिर यहाँ पे कॉस ए साइन बी, इस तरीके से फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, जैसे कि देख रहे हैं। और यही फार्मूला लगा दिया तो साइन इनवर्स और साइन और साइन इनवर्स वन बाई फाइव जो होता है वन बाई फाइव के बराबर होता है, और इंटू कॉस इनवर्स, कॉस और कॉस इनवर्स वन बाई एक्स, कॉस और कॉस इनवर्स एक्स होता है वो एक्स के बराबर होता है, क्लियर। तो इस प्रकार से आपको देख रहे हैं, इस प्रकार से सॉल्व किया है, यानी कि इक्वल टू वन आ गया। और ये कंडीशन है, एक कंडीशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व किया है तो यहाँ पे एक्स वैल्यू कितना आ गया, इस प्रकार एक्स का वैल्यू जो आया वन बाई फाइव आ गया, क्लियर। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स वैल्यू वन बाई फाइव आ गया है, क्लियर। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, और यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और सोल्यूशन आगे पेज में देखते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्स जगह पे यानी कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, एक्स वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जब भी सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड को यूज करेंगे, क्लियर। तो दोनों साइड को यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम मान लेंगे पूरा एक्स और ये इसको मान लेंगे वाई। अब फार्मूला लगा देंगे ये वाला, ठीक है, टेन वर्स एक्स प्लस में टेन वर्स वाई का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अप्लाई करते ही आपका इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, और इस पूरा का सॉल्यूशन करते ही आपको, ठीक है, इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे आखिरी में देख रहे हैं, यहाँ पे इतना आ जाता है, ठीक है। इतना आते ही आप यहाँ पे पाई बाई फोर के अंदर कर लीजिए और यहाँ पे बाकी संख्या को बाहर कर लीजिए, या तो आप दोनों साइड टेन का लगा सकते हैं फंक्शन, ठीक है। तो जब ही ये लगाइएगा तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, यानी ये संख्या बाहर आएगा एक्स वाला, और ये बराबर ये वन होता है, ठीक है, ये वन आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस तरीके से इतना आ जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि सॉल्यूशन इसका इतना जो कि एक्स वैल्यू प्लस माइनस में और बाई रूट टू आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये 16 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। साइन इनवर्स में साइन 2π/3 है। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू π/2 यानी कि साइन इनवर्स है, इसलिए यहाँ पे -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे चाहे तो इतना जो है एंगल का वैल्यू 2π/3 है वो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में नहीं आने के कारण हमें इसको खींच के लाना होगा। क्लियर। हमें इसको खींच के लाना होगा सेकेंड पार्ट में, ठीक है। ये अभी सेकेंड पार्ट में है और साइन जो होता है वो सेकेंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। दोनों पार्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए यहाँ पे पाई में से हम यहाँ पे π/3 घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और इसका फॉर्मूला ये भी होता है कि अगर साइन के साथ अगर पाई में से π/3 घटाते हैं, यानी कि थीटा होता है, सॉरी इसको ये लिख दीजिए थीटा होता है, घटाते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन थीटा। क्लियर। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम छोड़ेंगे यानी कि चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स में हो जाएगा साइन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा π/3 हो जाएगा, ठीक है। π/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे π/3 जो हो गया वो थीटा के जगह पे हो गया। क्लियर। तो π/3 हो गया वो थीटा के जगह पे हो गया, इसलिए यहाँ पे घटाते ही यहाँ पे कितना आ जाएगा π/3 हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। ये हो जाएगा π/3, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके जगह पे आप पूरा बन जाएगा, इसको मिटेंगे तो ये बन जाएगा π/3 बन जाएगा। क्लियर। π/3 और π/3 रहेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज हो गया -π/2 से π/2 के बीच में आ गया, ठीक है। तो ये रेंज जो होता है रेंज के बीच में आ गया, इसलिए हम यहाँ पे साइन बस साइन थीटा रहेगा तो थीटा बाहर निकाल लेंगे और वहीं π/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से बनाया हुआ भी है, ठीक है, बनाया गया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, और इसे भी आपको चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ पे टेन में ये भी जो देख रहे हैं 3π/4 ये भी आपको π/2 से छोटा नहीं है, मतलब यहाँ पे π/2 से बड़ा है। क्लियर। तो हमें इसको बड़ा है तो छोटा करना होगा, तो इसको हम खींचेंगे यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ले जाते हैं, ठीक है, या तो हाँ जब ये कभी अगर निगेटिव में है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स में, इसको हमें मिटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3π/4 है तो टेन यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टेन पाई माइनस में लिख देंगे π/4। क्लियर। इतना लिखेंगे और इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं, ठीक है। इसको आप मान लीजिए थीटा, ठीक है, थीटा है तो पाई में से थीटा घटेगा तो वो निगेटिव लग जाएगा और थीटा बन जाएगा। यहाँ पे आप बन जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे निगेटिव लग जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा, इस पूरे को मिटा देंगे तो यहाँ पे सिर्फ बनेगा π/4 बन जाएगा, ठीक है, π/4 बन जाएगा। और ये यहीं तक हो गया और बाकी जो है इधर का अब डिलीट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं तो यहाँ पे टेन वर्स में टेन π/4 हो जाएगा, टेन वर्स में टेन π/4, और ये निगेटिव है तो ये निगेटिव को हम, ये माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लियर। ये वाला पॉजिटिव आप कर लेंगे, यहाँ पे माइनस डाल दिए, अब एंगल हो गया निगेटिव तो यहाँ पे आप टेन वर्स में टेन थीटा रहेगा, थीटा यहाँ पर कुछ भी रहेगा तो वो माइनस में π/4 यहाँ पे है तो इसीलिए -π/4 बाहर रह गई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, π/4 माइनस में हो जाएगा। क्लियर। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको सॉल्यूशन करिएगा तो यहाँ पे निकाला भी है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में π/4 लिखा है और ये -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है रेंज को। ठीक है, इसे हम रेंज कहते हैं, सॉरी रेंज, हाँ -π/2 से π/2 रहेगा तो उसको रेंज कहते हैं। और यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें इसको जो है 3/5 जो है 3/5 उसको हमें चेंज करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी जो देख रहे हैं ये 3/2 है उसको भी हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन हमें क्या है, टेन है, तो हमें इसके अंदर भी टेन फंक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे टेन फंक्शन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे साइन का जो देख रहे हैं वैल्यू, ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं और फिर से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको समझा रहे हैं, इसको हमें क्या करना है कि इससे 3/5 जो है 3/5 साइन में है तो साइन को हमें टेन में बदल देंगे तो आसानी से बदल जाएगा। और यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आप जान लीजिए 3, 4 और 5 के रिस्पेक्टेड में होता है। ठीक है,
3, 4, 5 के रेशियो में होता है। क्या होता है? 3, 4, 5 के रेशियो में होता है। अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर के बराबर इक्वल होता है। क्लियर? तो हमें इसको क्या करना है, अब यहाँ पे साइन को हमें टैन के फॉर्म बदलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पी का वैल्यू हो गया 3 और एच का वैल्यू हो गया कितना, 5। तो हमें यहाँ पे बी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया, 4 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम टैन इनवर्स में, टैन तो है और ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे टैन इनवर्स में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। क्लियर? और फिर इसको भी आप टैन में बदलेंगे तो यहाँ पे टैन इनवर्स में हो जाएगा, और टैन कॉट का इनवर्स उल्टा होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे टैन इनवर्स में यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन गया, टैन इनवर्स में 3/4 और टैन इनवर्स में 2/3। और या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जो कि निकाला हुआ है, ठीक है, चाहे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद आगे है, ठीक है, इतना हम कर दिए। इसके करते ही आपको यहाँ पे टैन का फॉर्मूला लगाना है, जो कि आपको बताए थे, जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी यूज किए थे इसको, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में इसको यूज किए हुए थे, ठीक है। इस फॉर्मूला को वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे अप्लाई करते ही आपको इसको छोटा करना है, ठीक है। छोटा करते ही आपको इस तरीके से टेन वर्स में टेन वर्स में 17/16 बन जाएगा, और इसको बाहर लिख सकते हैं 17/6। क्लियर? तो हमें इसका वैल्यू निकाला था इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए। क्लियर? चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कॉस इनवर्स में कॉस 7π/6 है, तो कॉस को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7π/6 जो है वो पाई 0 से π के बीच में होता है इसका रेंज, और यहाँ पे 7π/6 जो है वो आउट ऑफ 0 to π/4 है, फाई है, ठीक है, आउट ऑफ रेंज यानी कि 0 to 5 है। तो इसको भी हमें क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में खींच के लाना होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में अभी है, ठीक है, अभी किस पे है, 7π/6 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट से हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाएंगे तो दोनों में निगेटिव ही होता है कॉस, इसलिए हम यहाँ पे दोनों में लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स में कॉस पाई माइनस में पाई बाय सिक्स लिखेंगे, तो अगला स्टेप में लिख देंगे कॉस इनवर्स पाई बाय सिक्स लिख देंगे ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे, चाहे तो 2π में से भी 7π/6 घटा सकते हैं, ठीक है, या तो आप पाई में से भी घटा सकते हैं, तो बेहतर जो रहेगा आपको कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पाई में से अगर घटाते हैं पाई बाई सिक्स तो भी अच्छा रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला आ जाएगा, और कॉस का फॉर्मूला आते ही हमारा क्या हो जाएगा, प्लस से फिर माइनस बन जाएगा, और या तो आप लिख सकते हैं 2π में से घटा देंगे। तो इस तरीके से घटाते ही आपको क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट चेंज होगा तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि कॉस 7π/6 रहेगा तो यहाँ पे 5π/6 में बदलेगा, 5π/6 जो है ये आपका 0 से π के बीच में है, इसीलिए इसका आंसर 5π/6 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 20 नंबर, ये क्वेश्चन है क्या कि साइन इनवर्स में माइनस में 1/2 लिखा हुआ है, तो ये -π/3 का वैल्यू होता है, 6 का वैल्यू, ये माइनस में π/6 का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे π/3 तो है ही, अब माइनस में -π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री, और यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, साइन 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 होता है, ठीक है, साइन π/2 का वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर? इसलिए परफेक्ट आंसर जो होगा 1 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और दिल से लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में जो होता है बहुत ही मेहनत पड़ता है आप लोगों का, यानी कि ये फिर मुझे इस पर एक्सपोर्ट करना होगा, टाइम लगता है इस पर कुछ, ठीक है, बहुत सारा टाइम लगता है, और आप लोगों के वीडियो बनाने में भी हमको प्रॉब्लम होती रहती है। तो आप चाहूँगा कि मैं वीडियो, प्रॉब्लम उतना नहीं होता है, मैं चाहूँगा तो मतलब मेहनत लगता है इसमें, यह नहीं कि नहीं लगता मेहनत, लेकिन आप चाहे तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियो को, ठीक है, और लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। और आज की वीडियो में इतना रहेगा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती हो तो उसके लिए मैं आप क्षमा चाहूँगा या माफ़ कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, और मुझे अच्छा फॉलो करें फेसबुक पेज पे, या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज को भी, ठीक है, मैथमेटिक्स बाय रघु, और या तो टेलीग्राम पे भी मैथमेटिक्स बाय रघु चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, उस पर भी मैं PDF या वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और साथ में आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज की वीडियो में इतना रहेगा।